नमस्कार। डिलिमिटेशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट जो एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर की गई है, उसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राय पेश कर रहे हैं। आज हमारे साथ बीडीसी चेयरपर्सन कटरा और पैंथल हैं, इसके साथ ही डीडीसी मेंबर जिज बगली वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और इस डिलिमिटेशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट सोशल मीडिया में चल रही है और जो काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने जो खबर के रूप में भी जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक जो रियासी में एक नई सीट का निर्माण हुआ है, हालांकि पहले भी तीन सीटें थी, अब भी तीन सीटें रहेंगी, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी के नाम की एक सीट बनाई गई है, उसको लेकर इन तमाम नेताओं की क्या राय है। और इसके अलावा जो अन्य दो सीटें हैं उनमें जो फेरबदल किए गए हैं उस पर ये क्या सोचते हैं, इनकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बीडीसी चेयरपर्सन पैंथल चंद्रमोहन जी से। चंद्रमोहन जी, किस तरह से देखते हैं कटरा को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है, आपकी पहले क्या राय थी और अब इस जो ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आ रही है, अगर यही फाइनल होती है तो आप इस पर क्या कहेंगे? शुक्रिया, थैंक यू अंचित जी। जैसा कि आपने ये प्रश्न पूछा, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट और स्पेशली जो क्वेश्चन रिलेटेड टू श्री माता वैष्णो देवी न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हमारे पहले भी वही राय थी और आज भी वही है। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप है और इसकी बहुत अरसे से डिमांड थी, और उसमें जो था कि हम चाहते थे कि जब पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी तो उसमें एक तो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है एरियाज़ों को लाया गया था और बहुत मुश्किल होता उस समय इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, तो बहुत ही वेलकम स्टेप है कि आज जो है एक जिसमें अभी तक जो जैसे आपने कहा कि ड्राफ्ट कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो हमें मालूम हुआ है कि उसमें ब्लॉक भमाग, ब्लॉक कटरा और ब्लॉक पैंथल जो है तीन आएंगे, और उसके बाद रहा सवाल पंचायत का, वो किस तरीके से किया जाएगा, तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके से किया जाए जो सबको सूट करेगा। आप भाजपा के नेता हैं तो भाजपा में भी इस सीट को लेकर अलग अलग राय थी इससे पहले, तो आप क्या इस पक्ष में ही थे कि कटरा श्री माता वैष्णो देवी नाम की एक सीट बनाई जाए? बिल्कुल 100% हम इसी पक्ष में थे, और हमारे लोग जो ऑलरेडी उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम जो थे वो कंसर्निंग कमेटीज को दी। कुछ नेताओं का ये भी कहना था कि पहली जैसी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी रखी जाए, फिर बदल नहीं, लेकिन हम उनमें से नहीं थे, हम उनमें से थे, कुछ लोगों की मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो भाजपा का एकदम क्लियर सा स्टैंड था कि नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए, और कहीं ना कहीं उसमें भाजपा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो दी गई थी इसी को लेकर दी गई थी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें चाहिए, और उसका परिणाम है कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली। जिन इलाकों को शामिल किया गया, तहसील कटरा बमाग को या रियासी की कुछ पंचायतों को भी शामिल किया गया है, उससे सहमत हैं या थोड़ा सा आप चाहते हैं इसमें फेरबदल और होना चाहिए? देखिए, मैं एक सीधी बात बताऊंगी, जो माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ बनी है, वैसे तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि लगभग 90 के करीब हमारी नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पे होंगी। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं करूँगा, पूरे भारत वर्ष में जो अभी जिसको खुशकिस्मती से हम कहेंगे 58 कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री माता वैष्णो देवी, उसका पूरे भारत का पूरे विश्व में नाम रहेगा, तो इसके लिए ये पात्र के जितनी भी आप कहें कि इसमें सरकार की कमीशन की आप जितनी तारीफ करें वो कम है। और स्पेशल में इसमें मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे जो MOS हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनका पर्सनल इंटरवेंशन से आज विश्व स्तर पे हमको कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल रही है। जी, जिज बगली के DDC मेंबर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले आप अरनास गूल का हिस्सा हुआ करते थे असेंबली सीट का, अब रियासी के साथ उसे जोड़ा गया है, अरनास को ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद अरनास में कई लोगों का विरोध भी सामने आ रहा है, सोशल मीडिया के जरिए विरोध भी लोग कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं सही फैसला है या अरनास अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए? देखिए, हमारा जो इलाका जिज बगली और ठाकरा कोर्ट की अगर हम बात करें, जिज बगली गुलाबगढ़ के साथ था, तो ये गुलाबगढ़ का सबसे लास्ट का एंड जाकर कोना था, ये गुलाबगढ़ तो दूर था, ये जिज बगली अगर मैं बात करूँ, आज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे तीन चार ब्लॉक पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, ब्लॉक जिज बगली, ठाकरा कोर्ट, ये मिलता जुलता एरिया है, इनके साथ में हम अरनास की अगर बात करें तो ये भी हमारा टोन का एरिया है, जो हमारा मिलता जुलता एरिया है, तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी अभी बन चुकी है हम इस पे सहमत है। अभी बनी नहीं है, ड्राफ्ट रिपोर्ट तो जो भी है अगर है इस पे हम बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ये एरिया मिलता जुलता एरिया है। गुलाबगढ़ कहाँ है और जिज बगली कहाँ है? देखो, जिज बगली अगर मैं जिज बगली से बात करूंगा, जिज बगली हमारा सबसे लास्ट का कोना था, ये हर बार क्यों गुलाबगढ़ के नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी लेकिन एरिया हमारा छूट गया था। आज जो है, आज हमारा मिलता पहले अरनास गूल का हिस्सा नहीं थे, गुलाबगढ़ का हिस्सा पहले मैंने अरनास गूल कह दिया, ये गुलाबगढ़ का हिस्सा था। इनका कहना है कि सही फैसला लिया गया है, इनका हिस्सा जो है रियासी के साथ जोड़ा गया है। श्याम जी, आप क्या कहेंगे? पहले भी यही मांग थी और खुश हैं आप इस जो अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई?
मैं सबसे पहले अंशित जी आपको बताना चाहूँगा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन से जो कमीशन ने जो काम किया हम उसका वेलकम करते हैं ब्लॉक कटरा की तरफ से। तो ये तो एक प्रेरोगेटिव था डिलिमिटेशन कमीशन का, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो सेगमेंट नया बनाना था जब उसी की मॉडिफाई करना था वो उन्होंने कर दिया। अब मेरा आपसे आपके माध्यम से लोगों से सुझाव है और उनसे विनती भी है, प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती रहती हैं और वो तो बनेंगी ही बनेंगी, ठीक है, पर आपने जो नुमाइंदा चुनना है कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो देख सुन के चुने। कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहे कोई भी रहे, किस किसी भी रहे, पर जो नुमाइंदा जो अच्छा हो तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छी तरीके से लीड कर सकता है। और आप खुश हैं इस फैसले से? मैं 100% एग्री करता हूं। और जिन लोगों ने छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली है मैं 100% एग्री करता हूं, और खासकर उन लीडर्स का भी शुक्रिया करता हूं और उन काउंसिल का भी शुक्रिया करता हूं जिन्होंने ये मेमोरेंडम दिया था, उनमें हम भी थे, चेयरमैन बीडीसी पैंथल भी थे, हम भी यही चाहते थे कि हमारा जो कटरा जो माता वैष्णो देवी के नाम से कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मेरा डिफर करेगा वो इसमें करेगा कि जो हमारी एमपी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो इन्होंने क्या कर दिया कि हमें जम्मू के साथ लगा दिया, वो थोड़ा आउट ऑफ वे रहेगा हमारे लिए क्योंकि वो खुश नहीं है। उससे थोड़ा सा हमारा सोच डिफर करती है इनसे। जी चंद्रमोहन जी, पार्लियामेंट्री सीट अब जम्मू होगी ड्राफ्ट रिपोर्ट की अगर माने यही फाइनल रिपोर्ट बनती है, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, सेंटर की तरफ से जो भी डिसीजन लिया गया है वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है, मेरी एक सोच हो सकती है कि मैं चाहूँ कि शायद डोडा कठुआ या उधमपुर पार्लियामेंट्री सेगमेंट थी, लेकिन अगर हम उस हिसाब से सोचें तो कहीं ना कहीं जम्मू जो है हमारी आन और बान और शान है, और कहीं ना कहीं जम्मू इज़ द यू नो गेटवे ऑफ इंडिया, तो कहीं ना कहीं मुझे हमें हम लोगों को उससे भी नहीं, कहीं ना कहीं अगर हम ये बात कहेंगे तो जम्मू के साथ जाने से हमें जो डेवलपमेंटल जो हैं एक्टिविटीज़ उसमें मुझे लगता है बढ़ोतरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगा। हाँ, अगर मैं अपनी निजी तौर पर बात करना चाहूँ कि शायद मैं मेंबर पार्लियामेंट उधमपुर की तरफ से सीट का कुछ हो सकता था, अपना कुछ इंटरवेंशन करके हम बन सकते थे, वहां से नहीं बन सकते, ये अलग चीजें रही, लेकिन डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ा और अच्छा स्टेप है और इट्स हिस्टोरिकल। जी जी, आपसे बात करेंगे, आपने पहले कहा कि आपका हिस्सा गुलाबगढ़ में था जी। लेकिन तहसील ठाकरा कोट का जो ज्यादातर हिस्सा था वो अरनास गुल के साथ था, तो वहां की जो आवाम है अब खुश है? आपकी बातचीत हुई है लोगों के साथ? नहीं, देखो खुश ना, कितना एरिया जो था वो गुलाबगढ़ के साथ था और कितना हिस्सा जो था आपकी आपके एरिया का आपकी तहसील का वो अरनास गुल के साथ? जिज बगली और ठाकरा कोट, ये जो हमारा जिज बगली की 7 पंचायतें हैं एक ब्लॉक था, ये हमारा गुलाबगढ़ के साथ, गुलाबगढ़ के बाकी तमाम हिस्सा जो तहसील ठाकरा कोट का था वो अरनास गुल के साथ, गुल अरनास के साथ था। जी जी जी, अब पूरी तहसील को रियासी के साथ जोड़ा? बिल्कुल, पूरी तहसील ठाकरा कोट, तहसील अरनास, तो प्लस साथ में पौनी तहसील, 3 तहसील का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अब पार्लियामेंट्री सीट जो है वो जम्मू कर दी गई है हमारी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जो ये जो डिसीजन लिया है उस पर हम भी सहमत है, जो ऊपर से अभी तो ड्राफ्ट चल रही है, जो जो डिसीजन हुआ उस पर हम सहमत हैं, जहाँ बने हमें जम्मू में नज़दीक है, अगर जम्मू में और रियासी में कोई फ़र्क नहीं हम समझते हैं, पार्लियामेंट अगर बन जाए तो बेस्ट ही। जी जी, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, आप जिज बगली से आते हैं, तहसील ठाकरा कोट से आते हैं, अब पूरे तरीके से पहले वो गुलाबगढ़ का भी हिस्सा था कुछ पंचायतें और ज़्यादातर हिस्सा अरनास गुल का था, अब रियासी के साथ जोड़ा गया है, क्या वहाँ के लोगों का रिएक्शन है अगर आपकी बातचीत हुई हो लोगों के साथ? मैं मोहम्मद रफीक मुगल हूँ, एक सरपंच जिज बगली से। जैसे चंद्रमोहन सिंह जी ने फरमाया, ये हमारे बीडीसी चेयरपर्सन के यहाँ के हमारे हेड हैं, और रशीद साहब जो डीडीसी जिज बगली हैं, इन्होंने फरमाया ये जो फैसला एक आज़ादाना मुनसिफाना और गैर जानबदाना तरीके से किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ये बहुत अच्छा फैसला है, बहुत सही है, इन्होंने हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक पब्लिक का सवाल है तो पब्लिक तो इस पर खुश है ही है, ये देखो हमें तो पहली बार ऐसा मौका मिला है, हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, हमारे देश को आज़ाद हुए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हमारी कम्युनिटी खासकर जो थी इसको बांट करके दबा गया था, कुचला गया था, उसको आज उभरने का एक मौका मिला है। अच्छे तरह से फायदा आप देख रहे हैं, अगर रियासी के साथ जोड़ा गया तो फायदे क्या होंगे आपको? रियासी के साथ हमें जोड़ने, देखो रियासी एक टाउन है, रियासी के नाम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें मिली है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की, फंडिंग के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा अच्छा हुआ है, और सेंट्रल प्लेस जो हमारा है वो रियासी पड़ता है, इसीलिए मोहर तो जाना लोगों का रियासी ज्यादा, बिल्कुल रियासी ज्यादा रहता था, ये बहुत अच्छा फैसला हुआ, इसके लिए हमारी पब्लिक जो है बिल्कुल खुश है। चंद्रमोहन जी, किस तरह से काम हो रहा है पीआरआई मेंबर्स को, जो हक हकूकों की बात हुई थी, क्या मिल पा रहे हैं, पावर्स मिली हैं आपको, काम हो रहे हैं, या फिर अभी भी पहले आपकी शिकायतें रहती थी वो शिकायतें अभी भी है?
देखिए अंजित जी, हमने पहले भी ये रिक्वेस्ट की होती कि जो बात हम यहाँ करते हैं कैमरे के सामने उसको ऑथेंटिकेट किया जाए कि क्या उसमें सच है या नहीं है। बार बार हम जितने भी इंटरव्यूज़ करते हैं, फिर एक बार मैं बताऊंगा कि हम जितने आपके सामने ये खड़े हैं लोग, चाहे कोई बीडीसी चेयरमैन है या डीडीसी काउंसलर साहब हैं, ये सीधी सीधी मैं कहूंगा मोदी सरकार की देन है। वरना आपने देखा कि सरपंच के ऊपर तो लीडरशिप जाती ही नहीं थी ना, यहाँ पर तो एक रवाज बन गया था सरपंच के बाद आपको एमएलए चुना जाएगा, एमएलए के बाद एमपी साहब बनेंगे, लेकिन इस किस्म की लीडरशिप जो लोगों की, एमएलए ही सारे रीवन एमएलए साहब ही काटेंगे, लेकिन मोदी साहब ने ग्राउंड लेवल पे जाके एक लीडरशिप दे दी। सवाल ये नहीं है कि वो किस पार्टी से, लेकिन जो अपोजिशन भी हो तो वो भी तो इस चीज को मानती है ना। आज इट इज ड्यू टू द एफर्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ये फायदा हुआ है। लेकिन क्या काम हो पा रहे हैं जो आप करवाना चाह रहे हैं? आपके एरिया में एक रोड थी, 2 करोड़ की मांग आपके द्वारा की गई थी, कुछ लाख रुपया, 34 लाख समथिंग आया है, तो काफी गैप जो है, आपने क्या डिमांड की थी, आया क्या है, तो काम किस तरह से? बिल्कुल अंजित जी, उसी पे आना चाहता था मैं आपको ये बात बताऊं, मैं उसी बात पे आना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने बोला कि सेंट्रल से की गई जो भी पॉलिसीज हैं वो एकदम से परफेक्ट हैं, लेकिन एग्जीक्यूट जो है, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज तो हमारी सरकार की है, वही एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले बैठी हुई थी, कहीं ना कहीं साफ शब्दों में मैं बोलूं कि फिर से हमें दुश्वारियां आ रही हैं, उस तरीके से हम चीजों को एग्जीक्यूटिव नहीं कर पा रहे हैं, रवैया ठीक नहीं है प्रशासन का, या फिर कर्मचारियों की भी कमी है, वो भी दिक्कतें हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कर्मचारियों की बहुत सारी कमियां हैं, दूसरा जो सेटअप है उसको चेंज होने में वक्त लगता है, जिस तरह से कि आपने बोला कि यूटी है, हम अकाउंटेबल हैं, सारी चीज़ें सेंटर से होती हैं, वर्किंग स्टाइल में जम्मू कश्मीर में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें समय लगेगा। जैसे आज ही की मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमारी अभी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, सारे विटनेस हैं मेरे कुलीग जो हैं, उसमें हम लोगों ने क्या कहा कि अगर ये हमारे डीसी काउंसलर साहब हैं रशीद साहब, इनको 73 लाख रुपया मिला इनका अपना कैपेक्स का, मैं बीडीसी चेयरमैन हूँ, मुझे 25 लाख रुपया मिला, मेरे साथ मेरे कुलीग हैं श्याम जी, इनको 25 लाख रुपया मिला। एक तो जैसे आप ही ने कहा कि आप बार बार आप शिकायत करते थे कि भाई आपको फंडिंग नहीं हो रही है, ये चीज़ें नहीं, अपनी पार्टी के खिलाफ एकदम आपने सही कहा, तो उसी चीज़ में मैं आपको बोलना चाहूँगा, अब वो पैसा हमारे पास है, अब तो पैसा हमारे पास ना, हमने कंसर्निंग अथॉरिटीज़ को दिया कि आप उसको एग्जीक्यूशन कराएं, वो नहीं हो पा रहा है, तो मैं फिर वो इतनी बात कि आने वाले समय में फिर 31 मार्च आ जाएगा और पैसा लैप्स हो जाएगा। आज हम जो बचे हुए 2 महीने हैं, लोगों को हाथ जोड़ेंगे कि जनाब पहले हमारे पास पैसा नहीं था, अब पैसा आ रहा है, जब वो लैप्स हो जाएगा तो क्या आप बताएं कल की डेट में हम ही में से, आप सरपंच की बात करें, डीडीसी या एमएलए, किसी भी तरीके की, हम जब ग्राउंड में उतरेंगे लोगों को फिर वोट देने की बात करूं, क्या उनके माइंड में ये बात स्ट्राइक नहीं करेगी कि ये लोग वो काम नहीं करवा पा रहे हैं? देवी पिंडी सड़क की बात कर रहा था, क्या वाकई में कम पैसा भेजेंगे? नहीं देखिए, पहले तो देवी पिंडी का जो पैसा भेजा गया है वो कम ज़्यादा तो बात, एक्चुअल में जो हमारा दिया हुआ प्रोजेक्ट था ना, तो उस तरीके उसको एंटरटेन ही नहीं किया गया है, तो मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि उसको दोबारा प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ कि वहाँ हमने 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था, किस तरीके से, पहली चीज़ ये थी कि उसमें मैक्सिमम एरिया जो फॉल करता है शाइन बोर्ड के अंडर करता है, हमने ये लगा था कि हम एक मोटा सा अमाउंट शाइन बोर्ड से लेंगे, उसके बाद उसके साथ साथ में आपका है डीडी जो हमारा गनसनिक महकमा है, ठीक है, उसकी जो हम बेस्ट कर पाएंगे, चाहे 50 लाख कहें, 30 लाख करें, 20, वो हम देंगे। देन देयर इज अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया में ट्रैकिंग की बात, हाँ मैंने कंसर्निंग डीएफओ मैडम से भी उस समय में बात की थी कि उन्हें कहा था आप अपनी प्रेजेंटेशन दे दें, हम क्या कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट में उस समय बताया जाएगा, सब जब सबका प्रोजेक्ट जो है प्लानिंग हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद आपके पास था डिपार्टमेंट टूरिज्म, तो टूरिज्म ने ये कहा था कि ठीक है हम लोग एक सारा कोलैबोरेशन करके एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उस 4 महकमों में से सिर्फ टूरिज्म एक ऐसा जिसने अपना 34 लाख दिया, अब उसको तो मैं अप्रिशिएट ही करना चाहिए, 100 टाइम अप्रिशिएट करें, उन्होंने 34 लाख, लेकिन जो बाकी वाले महकमे तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो इसलिए मैंने दोबारा बोला देवी पिंडी में हम लोगों को दोबारा से बैठ के उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना होगा, ये प्रोजेक्ट है और वी नीड दिस काइंड ऑफ फंड, ये चीज़ हुई। राशिद जी अपना ही पैसा खर्च नहीं कर पा रहे जैसा कि इन्होंने ही कहा? देखो जहाँ तक सवाल है अपने पैसे का, पीआरआई की अगर बात करें, बीडीसी मतलब की जनता का पैसा जो आपको अलाट हुआ है खर्च करने के लिए, खर्च कर बिल्कुल मैं वहाँ ही ले चला आपको। देखो मैं अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, अपने ब्लाकों की बात करूँगा, मेरा ब्लाक जिस बगली है जैसे पहाड़ी ब्लाक है, बर्फानी एरिया है, लेकिन हमारे आरडीडी डिपार्टमेंट ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, ऐसी बात नहीं, जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो हमें उनकी कैमरा के सामने उनकी तारीफ करते, हमें कोई वो नहीं, कोई बरेज नहीं है, क्यों कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरा बीडीसी जिस ब्लॉक की बात करूँ, बीडीसी का 25 लाख था, 73 लाख था डीडीसी का,
हमने जितने भी काम रखे थे हमारा सारे काम जो है मैक्सिमम हमारे 40% जो काम हमारे शुरू हो गए हैं, कुछ काम हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास 2 महीने हैं। मेरे जितने में ठेकेदार लोग हैं, जिन जिन लोगों को टेंडर मिला है, ये भी चिंता है कि लैप्स ना हो जाए। हाँ, मेरी उनसे यही गुजारिश है, ब्लाक ठगरा कोट और ब्लाक जिज बगली के 2 ब्लाक है मेरे जहाँ का मैं काउंसलर हूँ। मैं BDC चेयरमैन भी हमारे जिस बगली से है, ठगरा कोट ब्लॉक के BDC चेयरमैन, अलग अलग हमारे 2 BDC है, एक मैं DDC काउंसलर हूँ। मेरी यही गुजारिश है उन लोगों से कि जल्द से जल्द काम लगाएं, इस पैसा को खर्च करें ताकि हमारा पैसा जो कहीं लॉस ना हो जाए। तो मैं ये पूरे यकीन से दावा से ये चीज़ कहता हूँ कि मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ब्लॉक का जितना भी फंड्स है, चाहे वो PRI की है, चाहे BDC की है, चाहे वो बाजाती मेरी खुद जो काउंसलर की है, हम लैप्स नहीं होने देंगे। लैप्स नहीं होने देंगे। जीतने के बाद आपने MLA की इलेक्शन लड़ने की भी कहीं ना कहीं जिक्र किया था, तो अब तो सीट रियासी के साथ हो गई, अब भी आपकी इच्छा है? आने दो वक्त, वो वक्त आने पे देखते हैं। पार्टी टिकट नहीं देगी? ना, नहीं, वो जो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी वही हमने उस पे चलना है। आपको टिकट मिल सकती है, ऐसा क्या संभव है? वो ये पार्टी पे, ये हाईकमांड पे छोड़े जना, ये हमारे बस की बात, टिकट नहीं देगी तो नहीं लड़ेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, देंगी तो क्यों लड़ेंगे हम? वो आपकी इच्छा ही रह जाएगी। मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, अगर पार्टी का कोई भी हमारा कैंडिडेट आएगा हम तैयार है, वहाँ के वोट दिलाएंगे। बिल्कुल वोट दिलाएंगे। भाजपा के पक्ष में है उस इलाके में, क्योंकि अभी तक तो नहीं, DDC की इलेक्शन के बाद ही कहीं देखा था हमने वहाँ कमल खिला था। मेरी बात सुनो जनाब, BDC चेयरपर्सन, यहाँ जहाँ से BDC चेयरमैन भाजपा के बनकर आ गए, जहाँ से DDC काउंसिलर भाजपा के बनकर आए, तो क्या वो लोग पब्लिक ने बनाया ना? वो कि एक जहाँ 2 वोट से थोड़ा ये मसला, ये ऐसी कोई बात नहीं। ये हम बड़े, मैं ये चीज़ कहता हूँ ऑन कैमरा, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि अब हमें मौका मिला है। मिलता जुलता हमारा एरिया, जैसे जिज बगली हो गया, ठगरा कोट हो गया, अरनास हो गया, प्लस साथ में पौनी हो गया, तो रियासी तो हमारा ब्लॉक, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अगर आज इस सीट पर भी अगर हम नाराज होंगे कि हमें जिज बगली को, अरनास को रियासी के साथ क्यों लगाया, तो फिर तो हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं। खुश है आप? खुशी खुश नहीं तो और क्या जनाब, जो खुशी पे ही हम बात कर रहे हैं। श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इन्होंने कहा कि पैसा लग जाएगा, हालांकि थोड़ी चिंता है कि लैप्स ना हो जाए, यहाँ पे आ जाएं आप, तो चंद्रमोहन जी ने भी कहा कि लैप्स होने का डर है, तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। आप किस तरह से देखते हैं अभी तक जितना भी समय आपको BDC चेयरपर्सन बने हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं सरकार संजीदा है आपको लगता है? देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो संजीदा है, पर जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार है वो ढीली है। वो उसको कुछ समय नहीं आ रहा कि प्लानिंग किस तरीके से करनी है, एग्जीक्यूट किस तरीके से करवानी है। रही बात आज के दिन की, मैं अगर आपको अपने हाईलाइट्स बता दूँ आज के दिन के, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब ने माना है कि कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुई है। ये DDC काउंसिल के सारे माननीय सदस्य वहाँ बैठे थे, तो जो हमने बात रखी तो हमने बोला डिप्टी कमिश्नर साहब ऐसे ऐसे मसला, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने बोला कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। गलती कहने का मतलब ये है कि जो फंड्स अब तक लग जाने चाहिए थे वो नहीं लगे हैं। और दूसरी बात, उसका कारण क्या लगता है? उसका कारण देखो, कारण इन्हीं को पता होगा। हमने तो बोला कि हम लोगों के पास कौन से मुँह जाएंगे, किस तरीके से उनको बोलेंगे कि नहीं भाई टेक्निकल की, देखो ये टेक्निकल चीज़ों में अगर उनको उलझाएंगे तो लोग तो सीधा हमें पूछेंगे काम नहीं है, उनको काम से मतलब है। और दूसरा हमारा जो कंसर्न था, मेन कंसर्न था, जो मैक्सिमम लोगों की जो हमारे काउंसिल के साथी थे उनकी शिकायत थी कि डिप्टी कमिश्नर साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वो कॉपरेट नहीं करती है। जब भी कहीं भी कोई कहीं जाना होता है तो वो उनको PRIs को नहीं बताते हैं। तो हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को साहब बोला कि अगर इलेक्टेड हम होके आए हैं, जो पंचायती राज सिस्टम का जो निज़ाम है, अगर इसको डिसेंट्रलाइज करना है तो फिर आपको और हमको, हमारी तरफ से तो 100% हम आपके साथ हैं, हमने टीम की तरह काम करना पड़ेगा। अगर टीम की तरह काम करेंगे तो लोगों के डेवलपमेंट दिखेगी, अदरवाइज हम आपके खिलाफ होंगे तो आप ऑफिस में बैठ के अपने ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहोगे। मेरा लास्ट में अंशित जी आपको ये कहना है कि हमने लोगों की डेवलपमेंट करनी है। अब लोगों को हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमें पावर्स नहीं मिली हैं, पैसा नहीं मिला। अगर ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया, माननीय मोदी साहब जी ने कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए तो किया है। अब ये तो इस चीज़ से निकार तो नहीं सकते ना कि हम, उन्होंने सेकंड टीयर का इलेक्शन करवाया, थर्ड टीयर का इलेक्शन करवाया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। तभी आप हाँ, तभी उनकी वजह से हम जहाँ पे खड़े हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी पार्टी बूटी कोई है नहीं, मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि पार्टी का कोई मसला नहीं है। हाँ, जिस भाजपा के साथ खड़े हैं, लेकिन नहीं भाजपा जी जी काउंसिल के, आप शायद ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इनके साथ खड़े होने का ये मतलब नहीं। ये मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, भाई की तरह हैं आप, बाकी लोग भी वैसे ही हैं। मसला वो नहीं है, देखो हमें रिश्तेदारी दोस्ती यारी
वो अलग चीज़ है जनाब। हमारा काम है लोगों की डेवलपमेंट करवाना और लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर हमारे एंड से कहीं डेवलपमेंट कहीं किसी की रुकती है तो ये वो हमारा फॉल्ट होगा। पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जा जो टेक्निकल स्टाफ बोला जाए या दूसरे कहीं और रीज़न दिए जाएँ तो वो कोई कहीं कहीं पर मानने वाली चीज़ नहीं है, ना वो इंडोर्स होने वाली है। और रही बात मैं आपको ना जनता सुनेगी। लास्ट में आपको मैं ये क्लियर कर दूँ, अंशित जी बड़ी हैरानगी है कि चलो RDD तो हमें इंडोर्स भी करता है और इंटरटेन भी करता है, बाकी डिपार्टमेंट से जो जो भी हैं हमारे जितने भी बात वो इस लेवल पे हैं, वो इस सोच में हैं कि हम ही हम हैं, बाकी कुछ नहीं है। जनाब उनको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि दिन आते हैं और जाते हैं, पावर्स किसी के पास हमेशा नहीं रहती और कुर्सी उनके पास भी हमेशा नहीं रहेगी। जब कहीं भी कहीं किसी का अच्छे बंदे का मौका मिलेगा, जब मौका लगेगा तो वो फिर सीधा टर्मिनेट या सस्पेंड करेंगे। मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ, हाँ वो थोड़ा माइंड में रखें कि लोग चुप हैं, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ आता नहीं है। तो लिहाजा जो जो ऑफिसर अच्छे हैं वो अच्छा काम करें और कर भी रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके मन में फतूर है कि सरपंच एयान मलिक ने PSC गोटा में जाकर एक वीडियो बनाया, कोई भी नहीं था वहाँ पे, 2-3 बजे का वक्त था और न्यू हेल्थ कर्मचारियों को डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरह से जागरूक भी होना पड़ेगा बिल्कुल। तो वो अगर डिप्टी कमिश्नर साहब के वो नॉलेज में किसी ने वो चीज़ लाई तो उन्होंने ठीक है एक्शन लिया और एक्शन हुआ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमारा कांजली में प्रोग्राम था और वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मसला बना, हालांकि वहाँ पर JEE का या किसी का कसूर नहीं था, बट DC साहब ने वहाँ पर एक्शन लिया और वहाँ पर वो मुलाजिम जो था वो सस्पेंड हुआ, उसके बाद उसको रीइंस्टेट भी किया। हाँ देखो, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो तो फिर आपको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलना पड़ेगा। मेरी मर्जी या आपकी मर्जी तो नहीं चलेगी, मर्जी चलेगी कानून की, जो लाइन उस आती है उस लाइन में ही रहना पड़ेगा जी। थैंक यू चंद्रमोहन जी। अंतिम सवाल है कि कौन पसंदीदा कैंडिडेट होगा, क्या खुद भी इच्छा तो नहीं है चुनाव लड़ने की? देखिए पहले तो मैं आपके सामने ये चीज़ स्पष्ट कर दूं कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर हर बंदा इच्छाधारी होता है, ठीक है ना। हर व्यक्ति की कोशिश होती है कि अगर पुलिस में वो कांस्टेबल बना है तो वो चाहता है मैं DGP बनूं, बट ये चीज़ें हम अपने पे कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि इस समय डेमोक्रेसी है, स्पष्ट कर दिया कि इच्छा आपकी है। मैंने ये मेरी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी मैं स्कूल में अगर गया था हमारे उस समय इट वाज नॉट द KG, हमको कायदा बोलते थे, तो जब मैं कायदे में मैंने वो दाखला लिया था तो उस समय भी तो मेरी इच्छा थी कि आई विल बी द पोस्ट ग्रेजुएट, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो इच्छा तो आप जब मंदिर में जाएंगे तो इच्छा तो आपकी होनी चाहिए, अगर आप नहीं होते तो तब तक मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, हाँ पोल साइंस, तभी मैं बता रहा हूँ कि अगर पढ़ाई भी आप देखिए, मैं राजनीति का छोटा सा एक स्टूडेंट हूँ, और जहाँ तक सवाल रहा आपकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन के इर्द गिर्द बात करूं तो आज की एडमिनिस्ट्रेशन में मैं ये कहूंगा जो डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं, आप ऑन कैमरा में बता रहा हूं, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत डेडिकेटेड ऑफिसर है, इंटेलिजेंट ऑफिसर है, लेकिन उसके साथ साथ वो गलत लोगों के शिकार हुए हैं। ये भी मैं साफ स्पष्ट कर दूं कि जो उनकी मंडली है आगे पीछे उनको वो गलत करते हैं। मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम इन्होंने एक लिस्ट बनाई, उसमें इतने पटवारियों को उठा के वहां फेंका जो हम अप्रिशिएशन करते हैं, वहां से ये गंदगी दूर हुई, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा सा मैनिपुलेशन हुई। और डिप्टी कमिश्नर साहब को जिस तरीके के डिसीजंस लेने चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें वो उस तरीके के डिसीजन नहीं रहे। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं और बता दूं, हमारे ही जो पॉलिटिशियन का ग्रुप बना हुआ है, चाहे वो DDC साहब हैं चाहे BDC साहब हैं, हमारे ही किसी गलत फहमी का वो भी शिकार हैं, और कोई उनको जैसे कानाफूसी करते हैं ना, उनको ग्राउंड लेवल का थोड़ा सा कम नॉलेज है कि कहां पर किसी का क्या इम्पैक्ट है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी एक डेडिकेटेड और इंटेलिजेंट ऑफिसर को ये पहचान करनी चाहिए ये कि हमें सबका साथ सबका विकास जो सवाल मेरा था कि पसंदीदा कैंडिडेट अगर श्री माता वैष्णो देवी सीट नहीं मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आज मैं आपके चैनल पे कभी कभी ना आपकी इच्छाओं को आपको मारना पड़ता है, एक सुन लीजिए बात। आज मैंने एक बार किसी पसंदीदा कैंडिडेट का नाम ले लिया तो अंजीत जी मैं कल आपको बताया, जैसे कि मैं बहुत वैसे भी कॉन्ट्रडिक्शन रहा हूं पार्टी में, तो इस तरीके के सवाल आप दौड़ में मैं आपको एक चीज क्लियर करा दूं, नेता को स्पष्ट तौर से बोलना चाहिए, नेता वो होता है जो रास्ता दिखाए भी रास्ता पता भी हो। एकदम सही कहा आपने अंशित जी, आपने जितनी भी मेरी आज तक रिपोर्टिंग की आप अपने दिल पे हाथ रख के बना, मैंने 99.5 आपको एकदम स्पष्ट बताया है, लेकिन कभी कभी किसी सवाल का जवाब आते हुए भी आप नहीं दे पाते हैं, तो फिलहाल वेट करें, वक्त आने दीजिए तो इन सब चीजों का मैं जवाब दिया। आप रियासी से आपका पसंदीदा कैंडिडेट असेंबली इलेक्शन के लिए? जनाब थोड़ा सा वेट करना आपने,
वक्त आने वाला है, सबकी इच्छा रहती है। हाँ नहीं नहीं, वक्त आने वाला है, जब वक्त आएगा सब सामने आ जाएगा, जो कैंडिडेट आएगा। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, वक्त आने पे थोड़ा टाइम रह गया। जी जी, चलिए चलिए, तो जी जी बताइए, क्योंकि ये भाजपा के नेता थे तो मैंने इनसे जरूरी समझा पूछा। नहीं, मैं साफ बोलूंगा कि आप इस तरफ आ गए। जी जी, देखो कैंडिडेट्स हमने बहुत चुनना चाहिए, वो कैंडिडेट बन, कैंडिडेट भी उसी को बनना चाहिए, उसी को तैयारी करनी चाहिए जो जनता का बोझ उठा सके। हमें जात पे, मज़हब पे, धर्म पे वोट नहीं करना चाहिए, हमें बंदे की काबिलियत पे जाके देख के उसको वोट करना चाहिए। अभी मैंने देखा है, आपने DDC का इलेक्शन देखा होगा, BDC का इलेक्शन देखा होगा, और बस बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे, जो लोग कम्पिटेंट नहीं है, कम्पिटेंट कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना हमने कि नहीं भाई, कम से कम वो जो बंदा अपनी बात अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके रख सके और उसका वो निपटारा करवा सके, एटलीस्ट उस बंदे को तैयारी करना चाहिए और वो आगे बढ़े, जाके सेक्रेटरी में बैठे, वहाँ से अच्छी स्कीमें बना के लाए, हम लोगों के लिए हमारे पास लाए और हम लोगों के पास लेके जाएंगे। तो ये मेरा मानना है। बाकी कैंडिडेट देखो, इलेक्शन जब आएगी तो कौन कैंडिडेट बनेगा, किस तरीके की आइडियोलॉजी होगी उसकी, क्या समझ होगी, क्या वो सोच के आगे बढ़ेगा, ये तभी डिपेंड करेगा जब इलेक्शन होंगे। जी जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो DDC मेंबर जो मोहर से आते हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। डिलिमिटेशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है जो प्रपोज की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? ST रिजर्व की गई है और थोड़ा फेर बदल किया गया है आपकी सीट की, अगर असेंबली सीट की बात करें तो क्या खुश हैं आप, सही किया गया है, या फिर अगर यही फाइनल रिपोर्ट बनती है तो सही है, या फिर आप चाहते कुछ और चाहते थे? देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, कमीशन ने लोगों को इसके सिलसिले में जिस कदर लेना चाहिए था, उनकी राय को लेना चाहिए था, उस कदर नहीं लिया गया। और इसके बीच में जो मोहर जो सीट बनाई है इन्होंने, जो गुलाबगढ़ को अब बदल करके मोहर बना है। आप असेंबली इलेक्शन भी लड़ चुके हैं? मैंने 2008 में असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और जो इस टाइम में हम, हालांकि इसका जो नाम, मेरा जो मेरी जाती राय है, उसका नाम जो गुलाबगढ़ था, क्योंकि गुलाबगढ़ जो है महाराजा गुलाब सिंह के नाम से था और हमें उसके साथ बड़ा प्यार था और हम चाहते थे कि उसका नाम गुलाबगढ़ ही रहना चाहिए था। बहरहाल उस समय जब ये सीट बनाई गई होगी तो यही इसी सोच के साथ बनाई गई थी कि गुलाबगढ़ महाराजा का नाम, जो नाम है उसी के नाम से ये, उनका नाम रोशन करने के लिए बनाई गई थी। और जब उन लोगों ने बनाई थी, ये जिन्होंने बनाई थी, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उस ज़माने में उन्होंने बनाई थी और हम इस नाम के साथ बड़ा प्यार करते थे, और इसको जो है इन्होंने बदला है। एक तो ये इसका एतराज़ है, दूसरा एक बात मैं बताऊँगा, जो मोहर नाम हो या गुलाबगढ़ नाम हो, ये हिमालय के पहाड़ के दामन में बड़ा दुश्वार गुजार, बड़ा इनएक्सेसिबल एरिया है, और वो एरिया बहुत बड़ा दूर दूर तक फैला हुआ एरिया है, और उसका जो एरिया है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और ये एतराज़ है हमारा कि इतना बड़ा भाई बढ़ा देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वहाँ पर डेवलपमेंट करनी है एरिया का, डिलिमिटेशन के बीच में जहाँ तक पॉपुलेशन का ताल्लुक है, वहाँ जोग्राफिकल कंडीशन को देखा जाता है, एरिया को देखा जाता है, और उस चीज़ को जो है वो एरिया को नहीं देखा गया है वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि एरिया को देखना चाहिए, उसके सारे, जब आप उसके तूलो अर्ज को देखेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई को देखेंगे आप, तो एक बहुत बड़ा और बड़ा मुश्किल एरिया है जिसके बीच में डेवलपमेंट इस तरह से करना जो है मुश्किल है। और छोटी कंस्टिट्यूएंसी बनानी चाहिए थी, छोटी बननी चाहिए थी, थोड़ी अप्रोचेबल बननी चाहिए, का एरिया निकाला जा सकता था। आप क्या संभावना आप देखते थे कि छोटी किस तरह से? मैं इसके बारे में ये नहीं कहूंगा कि थुरू निकालना चाहिए या फलां निकालना चाहिए, ये नहीं है। हम चाहते हैं कि उसका एरिया जो है इतना बड़ा, एक डेवलपमेंट के लिए जो भी है वो मुनासिब हो एरिया, और वो एरिया जो है मिलता जुलता एरिया जो है, और उसको जो है थोड़ा कम रखना चाहिए। अभी क्या जानकारी है, तहसील चसाना, तहसील मोहर और थुरू का हिस्सा जोड़ा गया है, ज्यादातर हिस्सा थुरू तहसील? जी हाँ, तहसील थुरू है इसके बीच में, उसके बीच में कैंठी को छोड़ करके, और क्या नाम है, तहसील मोहर है, तहसील चसाना है। हालांकि जो इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है तहसील गुलाबगढ़ बन रहा था, जो नहीं बन पाया उस टाइम में, ये एक काफी बड़ा एरिया है। आप गुलाबगढ़ के एरिया को देखते हैं, आप दूसरे एरियों के, एक बहुत बड़े एरिया है इसके बीच में, अगर फिजिकली हम जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है, एक महीने में इसका पूरा टूर नहीं कर सकता है कोई भी। हाँ, तो काफी बड़ा मुश्किल। तो ना खुश हैं आप? ये इस चीज का मुझे एतराज है इसके। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। जी जी, तो भाजपा नेता कटरा माता वैष्णो देवी की जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी
बनाई गई है ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रपोज जो की गई है उससे खुश हैं। वहीं जो डीडीसी मेंबर महोर से आते हैं उन्होंने कहा कि जनता से राय शुमारी नहीं की गई है और वो ना खुश हैं क्योंकि कई सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसके साथ ही जो बीडीसी चेयरपर्सन हैं कटरा के उन्होंने भी कटरा माता वैष्णो देवी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है उसका वेलकम किया है। बीडीसी डीडीसी के साथ बातचीत कर रहे थे और डिलिमिटेशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रपोज की गई है उस पर उनकी राय जान रहे थे। एक और शख्स हमारे साथ हैं, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन। बीडीसी चेयर पर्सन हैं आप, कहां से आप आते हैं और क्या कहना चाहेंगे जो डिलिमिटेशन की ये ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रपोज की गई? मैं बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक जसाना से। मेरा तो अंश जी मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा तो आज का ये कहना है कि जो हमारी मैं ब्लॉक चसाना की बात करूँ, मोहर या गुलाबगढ़ या थ्रू जो जोड़ा गया है, जो मैंने वहाँ पर देखा गया है, मैं तो टोटली कहता हूँ कि ये हमें साइड रखे किया गया है। ये थोड़ा सा बताएं कि पहले किस तरह से ये सीट थी और वोटर लगभग कितना था और अब आप क्या वोटर बढ़ता हुआ देख रहे हैं या थोड़ा कम हुआ? जैसे कि पहले मोहर गुलाबगढ़ की बात थी, पहले कॉन्स्टिट्यूंसी मोहर गुलाबगढ़ से पहचानी जाती थी, उसमें ब्लॉक गुलाबगढ़ नाम था लेकिन ऐसे आमतौर पर मोहर गुलाबगढ़ कहा जाता था। उसमें मोहर ब्लॉक थी, गुलाबगढ़ ब्लॉक था, चसाना था, जीज बगली का ब्लॉक था। उसको छोड़ के जैसे देखा मैंने कि मोहर चसाना या के जीज बगली की बात करें, वो एरिया जो जीज बगली का कट गया वो अब निकाल दिया गया। मोहर चसाना और थुरू जैसे कि पहले 75,000 वोटर था, आज 1,26,000 कुछ देख रहा हूँ मैं। तो मैं तो कहता हूँ कि ये हमें बीच में बैठा के ऐसा फैसला करना चाहिए था, क्योंकि हम इलेक्टेड जो लोग थे, क्या वो बीडीसी चेयरपर्सन थे या वो डीडीसी मेंबर साहिबान थे, लेकिन जब राय मांगी गई थी अलग अलग प्रतिनिधि मंडल मिले थे तब क्या आप मिले थे, अपनी रिप्रेजेंटेशन आपने दी थी? हाँ नहीं, हाँ हमें जब ये सुना गया था तो हमने अलग अलग मेमोरेंडम दिए थे कि हमारी क्या मांग थी ज्यादातर लोगों की, मतलब की मेजोरिटी में क्या मांग, हमारे लोगों की ये मांग थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे तीन थी वैसे रियासी के अंदर चार बन जाए। जैसे मोहर चसाना को देखा जाए तो वहाँ पर एक बनी हुई थी, थुरू का हिस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ थुरू या के दरमाड़ी, हाँ, वो एक गोल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से पुकारी जाती थी। मैं चाहता था कि जैसे कुछ एरिया अरनास का या बमाग जैसे कटरा माता वैष्णो देवी का एक अलग से बन जाए और चसाना मोहर चसाना जो है ये अलग से बन जाए, इसमें से भी थोड़ा बहुत कम करें। जैसे कुछ पंचायतें ऐसी हैं ठाकरा को जीज बगली की, वो अगर अरनास के साथ जोड़ा जाए तो अच्छा था। इसके हम तो इसको टोटली फेल कर देते हैं अपनी राय के मुताबिक, हमें पब्लिक इसमें बिल्कुल ही राजी ना खुश है। हाँ ना खुश है और मैं क्लियर लोगों से भी बात हुई है और नेताओं से भी बात हुई है या ये आपकी निजी राय है? कुल मिला के मेरी ब्लॉक चसाना की बात करूँ, 26 पंचायतें हैं, बड़ा दूर दराज एरिया है और वहाँ पर मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में सबसे बड़ी ब्लॉक है। मेरी पब्लिक का और मेरे जो साथी हैं जैसे पोलिटिकल पॉलिटिक्स के लोग हैं वो सारे ना खुश हैं इसमें, मैं आपको टोटली कह देता हूँ। और मैं आपकी माध्यम से सरकार तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इसकी दोबारा से एक डिलिमिटेशन जैसे हुई है इसकी दोबारा से एक कमेटी बन जाए तो वहां पर लोगों के दरमियान बैठ के जिसको पब्लिक चाहती है जैसे पब्लिक चाहती है वैसे ये कॉन्स्टिट्यूंसी। अब क्या लगता है कि अगर ऑब्जेक्शंस होंगी तो उसे मानने की? हाँ, हम तैयार हैं, कमीशन मानेगा, मानेंगे, मैं तो चाहता हूं कि पब्लिक ही मानेगा। आप चाहते हैं, आपको क्या लगता है कमीशन मानेगा और बदलाव? देखो हम तो अपना ऑब्जेक्शन पेश करेंगे, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो उनका काम है। जी चलिए शुक्रिया धन्यवाद। तो बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक चसाना से बातचीत कर रहे थे, इनका कहना है कि जिस तरह से मोहर नाम दिया गया, जो मोहर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है जिसे पहले गुलाबगढ़ नाम दिया गया था, पहले गुलाबगढ़ के नाम से जानी जाती थी, अब मोहर नाम दिया गया है, उससे नाखुश हैं क्योंकि जिस तरह से फेरबदल किए गए हैं वो इन्हें मंजूर नहीं है और लोगों की लोग भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इनके अनुसार कि हमने वहाँ के लोगों से बातचीत की है और वहाँ के लोग इसके खिलाफ हैं, नाखुश हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस बारे में फिर से सोचा जाए। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतने ही, इस वीडियो में इतना ही, मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।